सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना बनाई है ताकि गरीब परिवारों को सस्ते दरों पर राशन मिल सके, परंतु बस्ती जिले के कुदराहा ब्लॉक के मिश्रौलिया गांव में सस्ते गल्ले की दुकान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इस गांव का कोटेदार पिछले 7 सालों से अब्दुल अल्लाम सहित 355 गरीब कार्ड धारक परिवारों के हक पर डाका डालने का काम कर रहा है। टाइम से राशन नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो उसमें जो है कटौती करके मिलता है, ऊपर से जो है उसका रेट भी जो है बढ़ोतरी की करके लेते हैं, 110 रुपये लेते हैं। कार्ड कौन सा आपका? अंत्योदय कार्ड है साहब। पैसा कितना लागत है? पैसा 110 रुपये लगता है। अब कई किलो राशन मिला था आपको? अब वेट में तो बिल्कुल समझ लीजिए कि 2-3 किलो कमी हो जाता है। ग्राम प्रधान से जो है बात करने पे वो लोग आनाकानी करते हैं, और हम लोग चाहते हैं वही टाइम से हम लोगों को जो है राशन मिले, टाइम से चीनी मिले, ऐसा सामान जो सुविधा सरकार दे रही मिलना चाहिए। आपका कार्ड कौन है? सफ़ेद वाला कार्ड? हाँ। कितना राशन मिला था वहाँ पे आपका? 30 किलो देना और 2700 किलो होला। न चीनी मिला, न रास न तेल मिला, देवो करा न तेल, 2.5 लीटर देना। पैसा कितना लागत है? 200 रुपया। मैं चाहता हूँ इस सरकारी गल्ले की दुकान का नियमित व नियमानुसार संचालन हो ताकि इनकी समस्या का हल हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि जनपद बस्ती तहसील बस्ती सदर के SDM के मोबाइल नंबर 94-54-41-61-03 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके। मैं विनय कुमार, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनहर्ड के लिए।